सतनाम सत साहेब, मंदिर में शूद्रों का प्रवेश वर्जित व निषेध क्यों है? मंदिर, मस्जिद, चर्च व मठ का क्या रहस्य होता है, यह जानने की हम कोशिश करते हैं। इसमें तीन तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च या मठ क्या है व क्यों बनाए गए थे, वह उनमें ब्राह्मण, मोमिन, मौलवी, पादरी या बुद्धिस्ट कौन होते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाने का उद्देश्य क्या होता है? नंबर चार, शूद्र कौन होता है? सनातन काल, आदि काल में यानी प्राचीन काल में मंदिर, मस्जिद, चर्च या मठ इसलिए बनाए जाते थे कि वहाँ पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ध्यान साधना सीखने या करने जाता था। अब ध्यान कौन सिखाएगा, इसके लिए भी एक योग्य व कुशल व्यक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। वह जिसे हम पूर्ण गुरु कहते हैं उसका होना बहुत ही आवश्यक है, और वह थे उस समय के शिक्षक गुरु हमारे ब्राह्मण, यानी जिसका मन ब्रह्म में हो, जो अंतर से ब्रह्म में हो गया हो, अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया हो या सूरत व शब्द का मिलन हो गया हो, वही असली ब्राह्मण होता है। अब वह चाहे किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, मस्जिद में मोमिन या मौलवी जो अपना पूरा ईमान उस अल्लाह पर ले आया हो, चर्च में फादर या पादरी जिसने अपना मन फिरा लिया हो। चर्च यानी बाइबल में एक महत्वपूर्ण नियम है कि मन को फिराओ, यानी हमें अपने मन को संसारिकता से हटाकर आध्यात्मिकता में ले जाना है, यही मन का फिराव होता है। तो बोध मठ में जो बुद्ध हो गया हो, अर्थात जो प्रज्ञाशील समाधि का अभ्यास करता हो, वही बुद्धिस्ट होता है, वही बोध मठ में महत्वपूर्ण या योग्य पद के लिए धारक होता है, गुरु होता है। अब मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ ऐसे डिजाइन या आकार में बनाए गए होते हैं कि 5-6 फीट ऊपर जाकर 52 डिग्री के कोण पर झुकाव होता है। यहाँ भी हमारे पहले पहाड़ों में ध्यान योग साधना करते थे, यहाँ भी 52 डिग्री के एंगल पर जाकर ध्यान साधना करते थे हमारे संत व महापुरुष। ऐसे ही पिरामिड में 52 डिग्री पर एक ध्यान कक्ष होता था, वहाँ पर ध्यान साधना करते थे। यह पिरामिड बाइबिल व कुरान में वर्णित है कि यह सुलेमान ने बनवाए थे। और मंदिर में भी एक ये जो ऊपर का गुंबद का जो झुकाव होता है वह 52 डिग्री पर ही होना चाहिए। ऐसे मस्जिद में भी जो झुकाव होता है 52 डिग्री का होना चाहिए, चर्च में भी यह 52 डिग्री का होना चाहिए, और बौद्ध मठों में भी यह 52 डिग्री का झुकाव होना चाहिए। लेकिन आधुनिकता के कारण या हमने अपने यानी अच्छा लगने के कारण अपने अनुसार इनको डिजाइन कर दिए गए हैं, और यानी संसारिक रूप से अलग पहचान बनाने के लिए हमने इसको अलग अलग तरह से डिजाइन कर दिया गया है। इस कोण पर सकारात्मक ऊर्जा, 52 डिग्री के कोण पर जो झुकाव होता है, इस पर सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति के पास आती है, संचरित होती रहती है। रहस्य है 52 डिग्री के कोण पर या झुकाव पर सकारात्मक ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा का संचरण होता है। तो जो साधक को सकारात्मक कर देती है, परिवर्तित कर देती है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है या बदल देती है। बाइबल कुरान में भी वर्णन है, सुलेमान के द्वारा एक पवित्र मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो वह आज का मिस्र का पिरामिड ही है। इसका रहस्य बहुत ही कम लोगों को मालूम है, जिसमें ध्यान कक्ष 52 डिग्री के कोण पर बनाया गया था, और भारतवर्ष में प्राकृतिक पिरामिड बने होते हैं, यानी हमारे भारतवर्ष में तो जगह जगह पर या हिमालय में बहुत ही पहाड़ी पहाड़ है, तो प्राकृतिक पिरामिड बने हुए हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो मिस्र के लोग थे वो यहाँ पर आए और यहाँ पर ध्यान साधना देखे कि कैसे किया जाता है, यहाँ से सीख करके इन्होंने अपने द्वारा पिरामिड बनाए फिर बाद में।
हमारे पहाड़ जो प्राचीन काल से योग साधना का केंद्र है और संतों की कुटिया एक खास ऊंचाई पर जाकर बनाई जाती थी, आजकल भी जो पवित्र मंदिर पहाड़ों पर देखते हैं उन्हीं संतों के ध्यान कक्ष था प्राचीन काल में। यानी वहाँ पर उस कुटिया में वह ध्यान मग्न रहते थे, ज्ञान समाधि में रहते थे। सनातन काल या आदि काल में मंदिरों में क्या करते थे? ध्यान यही करना सनातन धर्म है। मंदिर में हम लोग मंदिर मस्जिद में क्या करते थे? ध्यान साधना ही करते थे और यही सनातन धर्म है, आदि धर्म है। आज क्या कर रहे हैं? आजकल सभी को पता है कि मंदिर मस्जिद व चर्च में कैसी प्रार्थना व पूजा हो रही है। आप सबको मालूम है सच्चे सनातनी बने, सच्चे आदि धर्मी बने, सच्चे मोमिन बने, सच्चे ईसाई बने, सच्चे बौद्धिस्ट बने। अपनाना सभी को एक ही है और वह है ध्यान साधना। मंदिर में जाने का क्या उद्देश्य है? पहले एक ही उद्देश्य होता था, मंदिर मस्जिद चर्च या मठ में जाने का, ध्यान साधना सीखना और करना कुछ देर बैठ करके। आजकल क्या हो रहा है? केवल प्रसाद लेकर जाइए और अपने सांसारिक कार्यों की पूर्ति के लिए मन्नत मांगिए और चले आइए। जो वहाँ ब्राह्मण है वह भी भूल गया है कि उसे क्या करना है। जो वहाँ पर पुजारी होता है या इस जगह का मुखिया होता है वह भी भूल गया कि उसे क्या करना है और जो वहाँ रहे उन्हें क्या बताना है। जो व्यक्ति मंदिर जा रहा है वह भी भूल गया है उसे क्या मांगना है वह सीखना है, जिससे कष्टों का निवारण हो सके। इस संसार में तीन तरह के कष्ट होते हैं, ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, अधिदैविक। इन तीनों तापों या रोगों को केवल ध्यान साधना के द्वारा ही दूर किया जा सकता है, यह कड़वा सत्य है। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते समय, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने का भी एक रहस्य होता है। जो वहाँ पर उपस्थित उस समय की जो भूखी आत्माएं हैं उनके लिए, जैसे जीव जंतु है, चींटी है, या जो वहाँ पर बैठे हुए मनुष्य है, उनको तृप्त किया जाए। यानी भगवान कोई प्रसाद खाकर प्रसन्न नहीं होता, वह स्वयं नहीं खाता, लेकिन वहाँ पर जो उपस्थित आत्माएं हैं वह तृप्त हो जाती है। मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते समय आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान करके ही मांगते हैं। यानी जो भी वहाँ मन्नत मांगता है वह आंख बंद करके और यहाँ पर ध्यान लगाकर ही मांगते हैं। यानी वह ध्यान साधना को ही प्रदर्शित करती है। संत श्रोमणी रविदास जी के समय में अछूत या शूद्र समझी जाने वाले समुदाय को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। क्यों क्यों जाते थे या क्यों जाते हैं? मंदिरों में प्रसाद व दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन अब मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति भी मार्ग से भटका हुआ है, या जो अपने आप को ब्राह्मण समझता है लेकिन उसका मन ब्रह्म में नहीं है, अर्थात तो वह ध्यान मगन नहीं है, ज्ञान समाधि में नहीं है, या उस मार्ग का उसे मालूम नहीं है, और वह पुजारी ध्यान भी नहीं करता है तो सिखाएगा क्या? संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी को भी मंदिर जाने से रोका गया था। उन्होंने इस समस्या का हल निकाला और नाम जाप की विधि को पुनः स्थापित किया। नाम जाप का यह पहले से ही है, आदिकाल और सनातन काल से ही है, लेकिन संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के समय में व्यक्ति भूल गए थे, लेकिन उन्होंने पुनः स्थापित किया, जिसको उस समय के या आज के ब्राह्मण भी भूल गए हैं। वास्तव में हकीकत है ब्राह्मण लोग भी कथा पढ़कर ही समझता है कि धार्मिक कार्य हो गया, लेकिन असली धार्मिक कार्य नाम जाप करना है या ध्यान साधना करना है। नाम जाप भी ध्यान साधना ही है। संत श्रोमणी रविदास जी ने नाम जाप ध्यान विधि बताकर सभी शूद्रों को वह संसारिक सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक स्वतंत्रता उस समय संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के द्वारा प्रदान की गई थी। इस विधि में अतः आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं होती है, प्रसाद चढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती, फल फूल माला चढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती है,
धन चढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती है, बस एक ही चीज आवश्यक है और वह है आपका मन। आपका मन यदि पवित्र है तो सांसारिक रूप से कुछ भी अर्पण व समर्पण करने की जरूरत नहीं है। तो रविदास संश्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी संसार यदि आपका मन पवित्र है तो इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो, जिसे रोग व शारीरिक कष्ट हुआ मंदिर में वही लोग जाते हैं जिन्हें शारीरिक रोग व कष्ट हो या अभाव हो, आर्थिक तंगी हो या देवीय कष्ट या भूत प्रेत लगा हो। नाम जाप ध्यान यदि आप सही दिशा व अर्थों में करते हैं तो तीनों तरह के ताप या रोग या कष्ट खत्म या समाप्त हो जाते हैं। शूद्र व काफिर कौन होता है? उस मालिक की नज़रों में, संसार की नज़रों में तो भले ही कि कोई भी एक विशेष जाति ही शूद्र व काफिर होती है, लेकिन उस एक मालिक की नज़रों में शूद्र व काफिर वह होता है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में लिप्त होता है, अर्थात माया या शैतान के वशीभूत होकर अपने सभी कर्मों को अंजाम देता है, वही शूद्र व काफिर है। अब वह आज की जाति व्यवस्था में चाहे किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, देश से हो, जो ऐसे अधार्मिक काम करता है वही शूद्र व काफिर है, और जो नेक इंसान है, मोमिन है, वह ब्राह्मण है, अर्थात ब्रह्म में मन है, वही ब्राह्मण होता है और वही मोमिन होता है। ईश्वरीय गुणों व ईमान जो लाता है, संयम क्षमा संतोष विवेक विनम्रता को धारण करता है, वह चाहे किसी भी जाति से हो या समुदाय से हो, वही असली ब्राह्मण है और वही असली मोमिन है। देखो समझो आगे बढ़ो उसकी ओर और अपने मनुष्य जन्म का लक्ष्य प्राप्त करो। सतनाम सत साहिब।